मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला हैदर आपसे इससे पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपको ये बतलाया था कि हम नमाज नबी का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और इनशाला रहमान हम उसमें सिर्फ़ रसूल सल्लम की नमाज़ दलाइल के साथ बताने की कोशिश करेंगे उस वीडियो में हमने तकरीबन नमाज शुरू करने से पहले नजयत जो है इंतहाई अहम तरीन आमल है उसके हवाले से मुख्तर से गुफग की थी कि जब आप नमाज का आगाज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप नमाज के लिए निजयत करें उसमें आर्ज़ किया था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या आपके साहब से नमाज के लिए निजयत करना वतई तौर पर साबित नहीं है न तो किसी सही हदीस से न ज़ीफ़ हदीस से और ना ही किसी मौजू हदीस हा, से हाँ इतना मौजूद है रसोल्लासम फरमायामार बिन नद नजयतों का तार का तार मदार वो नज़तों पर है लेकिन वो नज़त करने कैसे है उसके लिए कोई ख़ास अल्फाज कोई ख़ास जुमले कोई कल रसोल्ला वसलम से सबित नहीं है ना सहाब रसूल से बल्कि अहनाफ़ में से अमामा हम, भी, ने, हम भी, ने भी, ने भी, ने भी हम भी नबी नबी हम भी रमत का ये दावा है कि आम अरबा से भी निजत के अल्फाज ज़ुबान से अदा करना ये साबित नहीं है इसके अलावा भी दीगर कई आइमा ने इसका जिक्र किया अहनाफ़ ने जैसा कि बन हनफी हैं अमामा नौर शाह कश्मीरी हैं रामा अब्दुल्हई लखनवी हैं और दीगर कई अहनाफ ने इसका जिक्र किया है कि ज़ुबान के साथ निजत के लिए कोई मखसूस कलिमात कहना यह रसोल्ला सल्ला वम सेबित नहीं है बहरहाल इस पर चूँकि हम पहले गुफ्तू कर चुके हैं इसलिए इसको मज़ीद तफसीला बयान करने की ज़रूरत नहीं है इससे अगला अमल जो है जब आप ये निजत कर लेते हैं कि मैंने नमाज जहर अदा करनी है या नमाज असर अदा करनी है ये नवाफिल अदा करने हैं उसके बाद जो दूसरा अमल है जिसमें हम में से अक्सर लोग वो वाफिल हैं वो मुख्तसर साहब के सामने बयान करता हूँ वो है किबले की तरफ रुख करना पस्तकबिलकबला बिल्कुल सीधे खड़े होना है किबले की तरफ रुख करके दलील इसकी हजरत अब सदी रसी तुन की रवायत है सन्नी इबरमा जा हदीस नंबर आठ सौ तीन है फरमाते हैं कि रसोल वसम जब भी नमाज़ के लिए खड़े होते तो फस तकबिलकबुला आप आल सलातम किबले की तरफ अपना रुख कर लेते इसी तरह बड़ी मरूफ़ हदीस है हदीस मसी सलात के नाम से वो सहाबी रसूल जो रसूल वसलम के पास आए थे ऐसे हजे वुरहरा कहते हैं मसीह नबी में मौजूद थे सियाबी रसूल मसीह के कोने में नमाज़ अदा की और फिर नबी आल सलातम के पास आए आकर कहने लगे अल्लामक रसूल वसम फरमाया वाले व्ल फ सल फ़लम तो तो वापस लौट जा जाके नमाज़ पढ़ इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी उसे अभी रसूल वापस चले गए जाके नमाज़ अदा की रसोल्ला वसलम के पास वापस आए सलाम किया आपने फरमाया तो वापस लौट जा जाके नमाज़ पढ़ तेरी नमाज नहीं हुई बहरहाल तीसरी मरतबा कारपन उन्होंने कहा रसूल वसलम से कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल मुझे नमाज सिखला दीजिए मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ इस बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर छः हज़ार दो सौ इक्यावन सिक्स टू फाइव वन हजब हुरैरा कहते हैं जब उन्होंने ये कहा रसुल्ला सल्लम से कि मुझे नमाज़ सिखला दीजिए तो नभियासातलामान फरमाया कि जब तु तो नमाज़ के लिए आए तो असब गिल वज़ू तो उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से जिस तरह रसोल्ला वसलम ने वज़ू का तरीका बतलाया है करके दिखाया उस तरह तो उन्हें वज़ू करना है हस्त तकबी लिल के बुला फिर तो उन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना कबिल की तरफ रुख करके इसी तरह हजरत रफ़ा बिन राफ़े रसी अल्लाह तु की रिवायत है सुल नसाई के अंदर जिसका हदीस नंबर एक हज़ार तिरपन दस तिरपन और इसी तरह सुलसई में हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ तेरह यही हदीस मुसी सलात मुसनद अहमद के अंदर भी है अठारह हज़ार नौ सौ सतानवे नंबर जिसमें रसूल वसलम ने हुम दिया है कि जब आप नमाज के लिए आएँ तो बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हो जाएँ हमारी यहाँ पर ग़लती क्या है हम में से अक्सर लोग वजू करके मस्जिद में आते हैं ये देखते हैं कि इमाम नमाज पढ़ा रहा है जमात खड़ी है तो कहीं हमारी रकत ना रह जाए उस रकत को पाने के चक्कर में हम रसोल्ला वसलम के इस पहले हुक्म को खो देते हैं हम आते ही बाजूत सबसे भी कदम पीछे होते हैं अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं ऐसा नहीं करना हमने आकर अपनी जगह पर जहाँ खड़े होकर हमें नमाज़ पढ़नी है बिल्कुल सीधे खड़े होना है सीधे खड़े होने के बाद फिर हमने अल्लाह अकबर कह कर अपनी नमाज का आगाज़ करना है इसलिए इस गलती से हमने बचना है कि ये जो रसोल्लासम का हुक्म है किबला जब नमाज़ के लिए आओ अपनी जगह पर खड़े हो जाओ सीधे अपना रुख किबले की तरफ रखो और उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कहना है